नमस्कार, मैं हूं परवीन पठान और आप देख रहे हैं क्राइम 7 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। सूरत के डिंडोली इलाके में फिर एक धोखाधड़ी करने का किस्सा सामने आया है। मिली हुई जानकारी के मुताबिक सूरत के डिंडोली खरवासा रोड पर स्थित मिलेनियम पार्क के निवासी पवन कुमार राम शिरोमणि शुक्ला, जो डिंडोली उमिया नगर इलाके में इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफर की दुकान चलाते हैं और अपने परिवार का गुजारा करते हैं। गत कुछ दिन पहले पवन भाई को किसी फॉरेनर महिला तथा फुरुज का फोन आया और पवन भाई को बातों में उलझा कर उनके साथ फेसबुक ऑनलाइन कपड़ों का बिजनेस शुरू करने का लालच देकर तथा उनको मुनाफा होने का झूठा दिलासा देकर उस फॉरेनर महिला तथा पुरुष ने उनका भरोसा जीता और अपना बैंक अकाउंट नंबर उनको देकर थोड़े थोड़े करके कुल रुपए 4,67,967 रुपए पवन भाई के पास अपने बैंक अकाउंट में जमा करवाए और पवन भाई के साथ विश्वासघात करके उनके साथ फोन तथा ऑनलाइन संपर्क बंद कर दिया और वहां से रफू चक्कर हो गए। जब पवन भाई को अपने साथ हुई जालसाजी के बारे में पता चला तो उन्होंने तुरंत डिंडोली पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और आगे की जांच डिंडोली पुलिस ने शुरू की है। कैमरामैन सादिक पठान के साथ संवाददाता परवीन पठान, क्राइम 7 न्यूज़, सूरत।